स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। मुंबई स्टूडियो से कविता और अंश भी मौजूद हैं। और इस शो में अगले एक घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आपके नंबर, आपके स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश होगा, उस पर आप हमें कॉल कीजिए या फिर अपने सवाल अब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये कुछ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम यूट्यूब पर भी हमारा शो आप लाइव देख सकते हैं और वहाँ पर भी अपने सवाल हमें लगातार भेजिए। चलिए, ये तो तरीका हुआ सवाल पूछने का, लेकिन अब एक नज़र डाल लेते हैं बाजार पर। उसके बाद हम अपने साथ अपने शो में मेहमानों को भी शामिल करेंगे। आज बाज़ार में कमजोरी है और कमज़ोर ग्लोबल संकेत के वजह से आज एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि इस तरह की शुरुआत हो सकती है। बीच में 25,000 के भी नीचे फिसला था निफ्टी, लेकिन उसके बाद उस लेवल को संभालने की कोशिश, 25,000 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी भी वीकनेस बनी हुई है। करीब 0.5% कमज़ोर है निफ्टी, 166 अंकों की वीकनेस देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में भी कमज़ोरी बनी हुई है फिलहाल। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 331 अंक नीचे बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन जैसा भी हमने बताया कि अपने इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स हैं उन्हें बाजार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी 51,300 का लेवल तोड़ा नहीं है, थोड़ा नीचे आया था लेकिन वो लेवल नहीं टूटा है। तो ये है इस वक्त का बाजार का हाल। निफ्टी में ज़्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में। कोल इंडिया है सबसे ज़्यादा कमज़ोर, 3%। ONGC 3% नीचे है। विप्रो में करीब 2% की गिरावट। LTI, माइंडट्री और हिंडालको में भी आज कमज़ोरी देखने को मिल रही है और ये भी ग्लोबल इम्पैक्ट ही है जिसकी वजह से आज हम वीकनेस देख रहे हैं। ONGC में वीकनेस आ चुकी है क्योंकि जब क्रूड नीचे आता है तो इनके मार्जिन पर असर पड़ता है, इनको है, जिसके चलते 3% नीचे ONGC है। विप्रो, LTI, माइंडट्री, क्योंकि US में हमने देखा कि नैसडैक में भारी कमजोरी देखने को मिली, IT शेयर वहां पर टूटे और उसका असर आज हम IT शेयरों में भी देख रहे हैं, भारतीय IT कंपनियों में। और मेटल भी आज नीचे हैं क्योंकि एक तरफ एक के बाद एक चीन से जो डेटा आ रहे हैं वो कमजोर हैं, कमजोर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और उसका असर हम मेटल स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। तो पूरी तरीके से आज ग्लोबल फैक्टर हावी है आज के बाजार में और उसी का रिएक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन हम देख भी रहे हैं। हालांकि मार्केट ब्रेथ अगर देखेंगे तो वहां पर भी सुधार हुआ है, कमजोरी काफी ज्यादा थी, लेकिन NSE एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अभी थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। अभी केवल 1,050 स्टॉक्स ऐसे हैं NSE में जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन FNO में देखिए 36 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में, उसके सामने 140 स्टॉक्स लगभग ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट में वीकनेस बनी हुई है लेकिन थोड़ा रिकवरी आई है बाजार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहमानों को शामिल करेंगे हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। GOG फाइनेंशियल से गौरांग शाह मौजूद हैं और GM फाइनेंशियल से अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अक्षय जी, क्या नज़रिया बन रहा है आज आपका बाजार पर? लगातार जो तेज़ी बनी थी थोड़ा वहाँ पर ब्रेक लगा है ग्लोबल, खराब ग्लोबल संकेतों के चलते, लेकिन क्या कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप या फिर मौजूदा स्तर पर एंट्री लेने की सलाह देंगे ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग पूजा। तो 13 दिन एक तरफा चला है मार्केट, तो कहीं ना कहीं तो रोक टोक आना था। काफी ओवरबॉट थे पैरामीटर्स ट्रेडिंग के माध्यम से, और अगर आप देखें तो सितंबर मंथ हिस्टोरिकली एक मंथ रहता है जहां पे ज्यादातर मार्केट एक रेंज बाउंड हल्का सा जो है नेगेटिव चलता है, तो हिस्टोरिकल ट्रेंड है मार्केट का। तो आप देखें तो थोड़ा सा करेक्शन है। अगर डे ट्रेडिंग करना चाहे तो आप ओपनिंग के बाद पूरा मार्केट ब्रेड देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक है जो निचले स्तर से थोड़ा सा उछाल दिखा रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि जो आज फॉल है ये एक टाइम करेक्शन हो रहा है। शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड सिनेरियो अनफोल्ड हो सकता है जहां पे सपोर्ट एरिया शायद 24,900 का हो नीचे के स्तर पे और ऊपर में 25,350 से लेके 400, तो यही रेंज में सीमित रहेगा। थोड़ा चौपी रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा मार्केट शॉर्ट टर्म में, पर जब तक 24,900 होल्ड कर रहा है ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत है। तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी बनाइए आज के लिए। थोड़ा सा शायद इंडेक्स नेगेटिव रह सकता है, 24,200 एक इंपॉर्टेंट स्तर है जहां पे थोड़ा सा बाइंग वापस आपको अगर डे ट्रेडिंग में है तो बन सकता है। तो कुल मिला के बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी है, 24,200, 24,150 ये इंट्राडे के सपोर्ट है, ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट है 24,900। जब तक ये लेवल होल्ड करेगा मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रेंथ ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग रहे है।
तो ब्रॉडर स्ट्रेंथ बाजार की काफ़ी मजबूत है, हालांकि आपको सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकती है, और छोटी से मध्यम अवधि के लिए उतार चढ़ाव का सेशन एक बाजार में हम देख सकते हैं। बहरहाल जुड़ते हैं दर्शकों के साथ, और हमारी जो पहली दर्शक हैं गया से नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बहुत अच्छे हैं मैम। मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ और खासकर के गौरांग शाह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। बहुत बढ़िया, देखिए आज आपका लकी डे, गौरांग हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल पर भी हैं और आपको सुन भी सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका सवाल तो गौरांग की ओर ही होगा। बताइए किस स्टॉक पे सलाह चाहते हैं गौरांग से? पहले तो गौरांग सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आपको भी प्रणाम और हमारा नमस्कार। हाँ सर, मेरे पास वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 4000 शेयर है एट द रेट ऑफ 69। मैंने तो काफी ऊपर के रेट में ले लिया, तो अभी मैं क्या करूं उसमें? होल्ड करूं या फिर कितना समय और देना चाहते हैं आप अभी नीरज? लगभग 6 महीना, 6 महीना देना चाहते हैं। 6 महीना देना चाहते हैं, चलिए ठीक है जी मैम। गौरांग आप चाहें तो सेक्टर स्पेसिफिक सलाह भी दे सकते हैं अगर कवरेज में नहीं है, बाकी के लिए मैं अक्षय से भी एक बार लेवल्स ले लूंगी स्टॉप लॉस के साथ, बताइएगा। नीरज भाई को भी हमारा सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से, शब्दावली का प्रयोग करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो नीरज भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा पर तो कवरेज नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक कमजोर कड़ी है सरकारी बैंकों की सूची में। और गौरव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इनका सवाल? मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ही राय दे रहा हूँ कि कवरेज में नहीं है कविता, अच्छा, लेकिन ये एक कमजोर कड़ी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंकों की सूची में। और हम ये भी मानते हैं कि नतीजों के आधार पर मेरे ख्याल से इतना उत्साह आपको देखने नहीं मिलता। हाँ, एक बात है कि कभी कभार एक आध तिमाही में नतीजे अच्छे आ जाते हैं, इसलिए आपको ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलते हैं। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे नीरज जी क्योंकि कवरेज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो हमें लग रहा है कि निजी क्षेत्र की बैंक में एक बैंक है जिस पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है और इसी भाव के आसपास है, IDFC फर्स्ट बैंक। अगर आप चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं अगर आपको ये ठीक लगता है तो, लेकिन मैं इतना बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप परिवर्तन करते हैं तो लंबी अवधि में जो छोटा सा नुकसान आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निवेश में हो रहा है उसकी भरपाई तो हो जाएगी, और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो शायद आपको एक अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको परिवर्तन करना है कि नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की ओर आपने इनको सलाह दी है, IDFC फर्स्ट जो है आपकी रिकमेंडेशन है, लेकिन झटपट एक बार मैं अक्षय से ले लेती हूँ सवाल। अक्षय बताइएगा, 69 की खरीद है इनकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और 6 महीने का नजरिया ये रखना चाहते हैं जी? हल्का सा दबाव है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो शॉर्ट टर्म वीकनेस है। अगर आप लेवल्स को प्राइस चार्ट बेसिस फॉलो करेंगे तो 55 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर या सपोर्ट रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। मेरे हिसाब से जब तक 55 होल्ड कर रहा है तब तक आप अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप 54 का रख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, छोटा शॉर्ट टर्म करेक्शन है, वापस रिकवरी आ सकता है जो 75 या 80 के स्तर छू सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 6 महीने का आपका शेयर होल्डिंग है तो ये लेवल वापस आपको दिख सकते हैं ऊपरी स्तर में। 80 ब्रेक करता है नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि वो टेक्निकल लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट रहेगा, तो वहां पे एक वापस इसमें रिव्यू लेना पड़ेगा। पर फिलहाल आप 54 के स्टॉप लॉस से 75 से 80 के टारगेट के लिए बने रहने की रिकमेंडेशन दूंगा जी। बिल्कुल, तो ये थी राय अक्षय जी की। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं, तो बरेली से हमारे साथ पार्थ जुड़ चुके हैं। पार्थ नमस्कार, बताइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी, बताइए किसमें खरीदारी आपकी? जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में है जी। 900 शेयर लिए थे 270 के रेट में, 270 में जी। तो और उसमें जानना है जी, हाँ जी बताइए, तो उसमें कि लॉन्ग टर्म व्यू रखें या फिर और परचेजिंग करें? डिफेंस सेक्टर की अच्छी कंपनी छांट के लिए ईटी नाव को फॉलो करते हैं, गौरंग साहब को अच्छे से फॉलो करते हैं जी। जी जी बिल्कुल, तो थोड़ा ओवरऑल व्यू के लिए गौरंग जी आपके पास ही आएंगे। आपके साथ हमने बहुत बार डिफेंस क्षेत्र के बारे में बात भी की है, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी भी है,
तो आप बताइए कि BEL इस सेगमेंट में कैसा नजर आता है, इनकी जो खरीदारी है वहां से अब स्टॉक कुछ 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे लाभ होता हुआ तो नजर आ रहा है इनको। तो धन्यवाद पार्थ जी हमारी राय सुनने के लिए और निवेश करने के लिए। लेकिन पार्थ जी आपको एक बात बिल्कुल बताना चाहूंगा, पहले तो हम ये भी कहते हैं हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश के द्वारा कि आपको किसी एक क्षेत्र में या किसी क्षेत्र की एक कंपनी में जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है पार्थ के आपका जोखिम बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं पार्थ के आपके पास इस निवेश के अलावा अन्य निवेश भी होगा, क्योंकि आपके पास इसके 9,000 शेयर है, आपका खरीद का स्तर बहुत ही सक्षम है और नीचे का स्तर है 270 का। बुनियादी तर्क के आधार पर आज के तारीख में भी हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर खरीदारी की राय है। जिस प्रकार से इस कंपनी को पिछले कुछ महीनों में ऑर्डर मिले हैं तो ऑर्डर बुक की जो संख्या है वो बड़ी है, और मूल्यांकन को लेकर के भी, क्योंकि नए ऑर्डर मिले हैं तो मूल्यांकन को लेकर के भी बढ़त हुई है। ये कंपनी रडार सिस्टम से ज्यादा कामकाज करती है और आधुनिक जो वॉर बैटलफील्ड होता है वहां पर हमारे सैनिकों की सहायता करती है आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेकर के। और हमें जिस प्रकार से आज भी हमने देखा है कि सरकार के तरफ से रक्षा क्षेत्र को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, लंबी अवधि का नजरिया है तो पहले तो बने रहे। अगर आपका निवेश जरूरत से ज्यादा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं है, जो पूरा पोर्टफोलियो आपका उसका एक बड़ा हिस्सा नहीं बनता है, तो आप और भी जोड़ सकते हैं, करीबन 300 के नीचे अगर आता है तो आप और जोड़िए। और अगर फैला हुआ आपका निवेश नहीं है तो मेरे ख्याल से ओवर एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका निवेश है उसमें बने रहे। ठीक है, तो ये है सलाह BEL पर, जो भी निवेश है इसमें बने रहने की सलाह को दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, विजय भानुशाली। विजय जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी, विजय जी आवाज आ रही है आपको, सवाल पूछिए अपना। जी मैंने ना इन पेट्रो बाय किया हुआ है। ओके, 435 पे मैंने बाय किया हुआ है, 1,000 सेल, 1,000 बाय किया हुआ है। 430 हाँ, 435 पे, 435 पे आपने कहा? हाँ 435। ठीक है, तो यहाँ ओके, तो यहाँ तो नुकसान हो रहा है। कितना समय दे सकते हैं आप विजय जी स्टॉक को? फ्राइडे तक। अक्षय जी सलाह दीजिए, HPCL शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने खरीदा हुआ है और फ्राइडे तक का समय दे सकते हैं? मेरे ख्याल से जो कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी है, गिरावट है, उसको ये प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 435 पे खरीदा था, हल्का नुकसान हो रहा है फिलहाल इनको, लेकिन इनके भाव के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या सलाह देंगे HPCL में विजय जी को? जी तो विजय जी, आपने जो स्टॉक खरीदा है वो मीडियम या लॉन्ग टर्म के नजरिए से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है प्राइस स्ट्रक्चर, बट आपका नजरिया सिर्फ एक हफ्ते तक सीमित है, हफ्ते भर का नजरिया है, तो थोड़ा कभी भी मुनाफा वसूली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के स्तर पे बहुत काफी प्राइस अपसाइड हमने गए 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। तो टेक्निकली थोड़ा सा जो है मुनाफा वसूली का ट्रिगर आज मॉर्निंग से देखने को मिला है। तो HPCL में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म एक हफ्ते का अगर आप नजरिया रख रहे हो तो शायद 425 तक डाउनसाइड हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हफ्ते भर के लिए थोड़ा सा रिस्की है, होल्डिंग टाइम आपके पास कम है तो एक बार आप एग्जिट ले ले HPCL से। बाकी अगर आप ये ट्रेड में टाइम दे सकते हैं वीकली या एक 10-15 ट्रेडिंग सेशन का तो फिर होल्ड कीजिए, पर हफ्ते भर के लिए मैं एग्जिट की राय रखूंगा। चलिए सवालों का सिलसिला तो जारी है दर्शकों के साथ, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के निलेश जय। निलेश हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताइए क्या सलाह दी जा रही है हमारे इस खास सेगमेंट में दर्शकों को। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए खरीदारी पर फोकस है अभी, और जिस हिसाब से लगातार हमें ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर है वहाँ पे काफी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। OMC के अलावा पेंट स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है, तो एशियन पेंट ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है
जहाँ पे पिछले कुछ एक दिनों से लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंडरलाइन में हम यहाँ पे 3300 से लेके 3350 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो कि होगा 3240 का, उसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। करंटली 65-66 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 45 का स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 85, दूसरा टारगेट 110 के होंगे। इसका लॉट साइज जो है वो है 200 का। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क निकल के आ रहा है 4000 का एंड रिवॉर्ड 9000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पे। तो एशियन पेंट का 3240 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। एशियन पेंट्स 3240 की कॉल खरीदने की सलाह नीलेश जैन की तरफ से। नीलेश धन्यवाद आपका। लक्ष्य भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं 85 से लेके 110 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा 45 का। नुकसान भी यहाँ पे कंसिडर आपको करना चाहिए लगभग 4000 रुपये का, जिस तरह की पोजिशन बताई गई है। और लगे हाथों एक डिस्क्लेमर भी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि FNO ट्रेडिंग में जोखिम ज़्यादा होता है और इसीलिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अधिकतर लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को एक बार समझ लें और अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही आप FNO में पैसे लगाएं। इसी बीच एक खबर आ रही है फेम 3 पॉलिसी को लेकर, बड़ी खबर है। PMO जल्द फेम 3 पॉलिसी पर अहम बैठक कर सकते हैं और पूरी खबर जानते हैं समीर दीक्षित से। समीर बताइए। सरकार फेम 3 यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में जो अडॉप्शन की उनकी जो नीति है उसको बढ़ाने के लिए उसके तीसरे चरण पर फिलहाल विचार विमर्श कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी हफ्ते यानी कि अगले 10 दिन के भीतर सरकार फेम 3 पर अहम चर्चा करेगी। ये रिव्यू मीटिंग होगी सरकार की तरफ से जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हो सकती है। रिव्यू मीटिंग के बाद में माना यह जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक सरकार फेम 3 तीसरे चरण को मंजूरी दे सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि जो तीसरा चरण होगा उसको सरकार किसी नए नाम के साथ में सामने ला सकती है। फेम 1 फेम 2 काफी हद तक सफल रही है, लेकिन तीसरे चरण पे सरकार फिलहाल 11 नामों पर विचार कर रही है किसी नए नाम के साथ लाने के लिए, और इन 11 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी और एक नए नाम के साथ में फेम 3 स्कीम को सरकार इस महीने के अंत तक मंजूरी दे सकती है। फेम 3 स्कीम की जो बड़ी बातें रहेंगी, जो फोकस पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि बैटरी स्वैपिंग की जो नीति है, जो सरकार चाहती है कि बैटरी स्वैपिंग के जरिए ईवी अडॉप्शन को और तेज किया जाए, बैटरी स्वैपिंग एक अहम पहलू होगा। दूसरा क्लेम सेटलमेंट है। ये देखा गया है फेम 2 में कि जो क्लेम सेटलमेंट का जो पूरा प्रोसेस है इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, विशेषकर जो दो पहिया वाहन निर्माता हैं ईवी सेगमेंट में उनकी तरफ से कुछ फीडबैक आए हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा और स्मूथ क्लेम सेटलमेंट की तरफ सरकार उस पर फोकस बना करके फेम 3 में उसको शामिल करेगी। और साथ ही साथ तीसरी और अहम बात है वो है टेक्नोलॉजी की। आप देखें तो फेम 1 फेम 2 के बाद में यानी कि पिछले करीब 5 सालों में ईवी स्पेस में जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आई है और कुछ नए प्लेयर्स ने ईवी स्पेस में नई टेक्नोलॉजी के जरिए ये साबित किया है कि ये काफी हद तक सफल हो सकती है, तो सरकार इसको काफी हद तक पूरा करेगी। तो ईवी में ये एक अहम डेवलपमेंट है कि सरकार फेम 3 में इसी महीने चर्चा करके इसको मंजूरी नए नाम के साथ में दे सकती है। तो यह है पूरी खबर फेम 3 पॉलिसी पर। गौरांशी आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने सुना होगा फेम 3 पॉलिसी पर ये खबर बता रहे थे समय दीक्षित जी, आपकी क्या राय है ऑटो सेक्टर पे, इस पे क्या प्रभाव हो सकता है ऑटो स्टॉक्स पर? देखिए कुछ सालों से जो नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया गया था खास करके ईवीज को लेकर के, तो हम और आप जैसे उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से इसको सराहा है। इसलिए अब कंपनियां और सरकार इस पर और भी विचार विमर्श कर रही है और नीतियों में बदलाव कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही अहम पुर्जा होता है बैटरी, और उसको लेकर के थोड़ी दिक्कतें अभी भी है। मिसाल के तौर पर आज अगर आपके पास पे फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल चलने वाली वाहन है तो आपको किसी भी नुक्कड़ या चौराहे पे या फिर हाईवे एक्सप्रेसवे पे पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, लेकिन जहां तक चार्जिंग स्टेशन का सवाल है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि उस पर काम हो रहा है लेकिन उस काम को जमीनी स्तर पर यशस्वी होने के लिए काफी समय लगेगा। बैटरी स्वैपिंग एक बहुत ही जरूरी चीज है खास करके दो पहिया वाहन जो है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके लिए, क्योंकि उसकी बैटरी छोटी होती है, उसको निकाल करके आप ऑफिस या घर में लेके जाकर के चार्ज कर सकते हो अगर उसका चार्ज खत्म हो गया। लेकिन जहां तक चौपहिया वाहन का सवाल है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके घर पर, दफ्तर पे या फिर
बाकी अन्य जगहों पर चार्जिंग स्टेशन मिले, पहली बात। तो ये मेरे ख्याल से ये फेम थ्री में जो अभी आपके सहयोगी बता रहे थे तो उसको एक सरल करने का मेरे ख्याल से प्रयास हो रहा है। दूसरा मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि जो जीएसटी स्लैब है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, उपकरण जो है जो लगते हैं उसके ऊपर, उसको अगर कम किया जाए तो इलेक्ट्रिक वाहन के दाम कम होंगे, जिससे आकर्षण और भी बढ़ेगा और आपको सफलता और मिलेगी। लेकिन इस पर भी सरकार और जीएसटी काउंसिल विचार विमर्श कर रही है, पता नहीं कब वो लागू होगा। काफी सारे नए वाहन इलेक्ट्रिक कैटेगरी में बाजार में उतर रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये गति और पकड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज है, बैटरी स्वैपिंग, चार्जिंग स्टेशंस, और फाइनली जो बहुत ही जरूरी है वो है इलेक्ट्रिक वाहन के दाम। ठीक है, तो ये है नजरिया अमरा राजा और अन्य बैटरी स्टॉक्स पर। समीर जो एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए थे उस पर हमने आपको ये सलाह दी बैटरी शेयरों पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगली दर्शक शामिल हो चुके हैं भोपाल से, अर्चना भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अर्चना, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है मॉइल पर। 505 के भाव पर इन्होंने 500 शेयर्स लिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री ले ली थी, उसके बाद से स्टॉक नीचे है। 55,000 से ज़्यादा का नुकसान इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है। क्या सलाह होगी आपकी अक्षय जी? मॉइल पर काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, अभी और ज़्यादा नीचे जा सकता है क्या ये स्टॉक, या फिर रिकवरी के लिए बने रहना चाहिए इन्हें? जी, तो अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करें तो काफ़ी टूट चुका है शेयर। मेरे हिसाब से 700 से लेके 400 के आसपास 2 महीने का सफर रहा है इसका। तो प्राइस स्ट्रक्चर आप देखें तो थोड़ा शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो हल्का सा जो है एक रिकवरी का रैली आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो मैं कहूँगा कि आपको ये जो रिकवरी या बाउंस बैक रैली है इसमें एग्जिट के मौके ढूंढने चाहिए। तो प्राइस लेवल्स अगर आप प्रेडिक्ट करें तो 370-380 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है, और जो रिकवरी रैली की मैं बात कर रहा हूँ शायद मीडियम टर्म 1-1.5 महीने के अंदर 450 तक दिख सकता है। तो आपको 450 के आसपास जब भी मिले ये स्टॉक तभी आपको एक बार एग्जिट लेना है, और अगर वो ना आए और पहले ही सपोर्ट टूट जाए तो एग्जिट लेना है। तो इन शॉर्ट एग्जिट लेने की राय है, थोड़ा रिबाउंड होगा ये मेरा मानना है, तो थोड़े से आपका जो लॉस है इसमें कम हो सकता है, तो 450 के आसपास आप मॉइल में एग्जिट करें, ये मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, नुकसान कम हो सकता है लेकिन आपके लेवल्स देखने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि काफ़ी हायर लेवल्स पर आपने ले लिया था। 450 के आसपास मिले तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। नुकसान होगा लेकिन एग्जिट कर लीजिए और कुछ और बेहतर स्टॉक में आप अपना निवेश को शिफ्ट कर सकते हैं।